नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तो मैं उसको कहूंगा ध्यान। ध्यान से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, संसार का कोई भी प्राणी हो, जलचर, थलचर, नभचर, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो देहज हो, चाहे वो जलचर हो, कोई भी प्राणी, बगैर ध्यान के उसका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान जिसका नहीं है, जो अध्यानी है, या वह मंदबुद्धि हो सकता है या उसको कोई मानसिक समस्या हो सकती है। जो व्यक्ति भी पूर्ण रूपेण स्वस्थ है, मानसिक रूप से जो व्यक्ति समाज के दायित्वों को पूर्ण कर रहा है, उस पर निर्वाह कर रहा है, वो सब ध्यान के वशीभूत है। तो ध्यान ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान से ही व्यक्ति को तरक्की होती है और अध्यानी से पतन होता है। जो ध्यान नहीं करता है, जो बेध्यान है, अध्यान है, वो व्यक्ति पतन की ओर जाएगा और ध्यान आपको तरक्की ले जाता है। ध्यान का काम ही होता है कि गहनता से, बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से उस चीज को समझना और फिर उसे ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर ले जाना। तो ध्यान यौगिक विधा में आपको पता है संधि है। किसकी संधि है? योग प्राणायाम की संधि है, यानी समाधि में ईश्वर दर्शन और आपकी सांसारिक दोनों के बीच में तारतम्यता बनाने के लिए, दोनों में जोड़ने का संधि स्थल है ध्यान। जब तक आपका ध्यान नहीं होगा, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी और गृहस्थी दोनों को मिश्रण नहीं कर पाओगे, दोनों में सामंजस्य नहीं। इसीलिए दोनों में सामंजस्य बने, तो इसलिए ध्यान आवश्यक है। आप देखिए, चलिए थोड़ा ध्यान की बात और हम बढ़ाए आगे। अगर कोई पंछी है, भोजन शिकार भी करता है, तो भी ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान एक टक अपने शिकार पर रखता और मौका लगते ही घात लगाए बैठा रहता है और मौका जैसे लगता है अटैक कर देता है। चाहे शेर हो, चाहे बगुला हो, चाहे हंस हो, कोई चिड़िया भी हो, चिड़िया दाना चुगती रहती है, बाज हो, कोई भी हो, सब ध्यान की, जिसका ध्यान नहीं है वो भूखे मर जाएगा। पंछियों में, पशुओं में भी ध्यान जो भी नहीं है, जिसका ध्यान ठीक नहीं है, वो भूखे मर जाए। इसी प्रकार से जो बनचर पशु हैं, वो भी ध्यान ही देते, जहां ध्यान टूटा कहीं न कहीं शिकार जाएंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी जानवर के इस चक्र में, जीवन चक्र में शिकार बन जाएंगे। इसी प्रकार से पशु हो, पक्षी हो, छोटे कीड़े हो, सब लोग सावधानी से ही चलते। जिसकी सावधानी थोड़ी खराब हुई, जो अध्यान हुए, और अपने आप पतन कर देंगे। वैसे मनुष्यों की बात है, जो मनुष्य, जो प्राणी ध्यान के वशीभूत रहता है, ध्यान में रहता है, वो जीवन में आगे चल के तरक्की करता है, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे भौतिक हो। और जो व्यक्ति अध्यान में है, आंख बंद करके मनमानी चल रहा है, उसी का पतन हो रहा है। यह संसार भी काल चक्र है। आपके अंदर ध्यान नहीं होगा तो आप किसी न किसी के शिकार बन जाओगे। आप थोड़ी गलती करो, देखो यहां पर सब लोग आपको खाने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति ध्यान करके बैठा हो, जो ध्यान से चल रहा है, वही व्यक्ति आगे तरक्की करेगा। थोड़ा भी आप ध्यान से हटे तो आप किसी न किसी के काल के गाल बन जाओ, लूट लिए जाओ, डस लिए जाओ। इस संसार की वास्तविकता है, और संसार की वास्तविकता बताता है। समाज में बहुत सारे उपदेशक मिलेंगे, लेकिन सारे उपदेशक का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में आ ही जाए सारी बात। उसके लिए आपको ध्यान अवश्य करना पड़ेगा। ध्यान को जानना है, ध्यान को समझना है, तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करोगे, अभ्यास करोगे, तभी 24 घंटे ध्यान में रहोगे। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया डाला है, जिसमें हम 24 घंटे ध्यान कैसे करें। तो जब आप ध्यान का आरंभ करोगे, तो आप 24 घंटे ध्यान में, जब 24 घंटे ध्यान में रहोगे, तो आप कभी भी ठगे नहीं जाओगे। इसीलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो,
जग में हो हिंसा या संसार लूटने के लिए बैठा है, आप अध्यान में होगे, भावुक होगे, नीर छीर का विवेक नहीं होगा, हंस नहीं होगी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके लिए हितकर क्या है, जब तक इसकी परख नहीं होगी तब तक आप लूटोगे, ठगे जाओगे। और इससे बचे रहो तो एक ही चीज है कि आप ध्यान को, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, महिला हो, जवान हो, गृहस्थ हो, नौकरी पेशा, कुछ भी करते हो, ध्यान 10 से 15 मिनट अवश्य कीजिए। ध्यान के अभ्यास से आप हमेशा चौकन्ने रहोगे, चौकस रहो, और जब ध्यान करोगे तो सावधान रहोगे, नहीं तो असावधान हो जाओगे, और असावधानी ही आपको पतन पर ले जाती, सावधानी आपको तरक्की की ओर ले जाती। इसीलिए बार बार कहता हूं कि ध्यान से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है, सारी शक्ति सारी पावर आपके पास में हो, लेकिन आप में ध्यान नहीं है, आप में सावधानी नहीं है, सब लुटा दोगे, और कुछ भी नहीं है, ध्यान है, सावधानी है, तो आप धीरे धीरे तरक्की की ओर चले जाओगे। कैसे भी तरक्की हो, सारी तरक्की में ध्यान ही सहायक। तो ध्यान की महिमा आप लोगों ने समझा होगा, हमें विश्वास है दिव्य चर्चा समझ में आएगी, समझ में तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।